राजनीतिक मकसद था। अब रुक करते हैं झारखंड की ओर, जहां पर राज्य के 10 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है और केंद्र सरकार से अब इन 10 जिलों को यहां पर मदद मिलेगी और साथ ही साथ इससे 12 लाख किसानों को फायदा भी पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के 10 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। बोकारो जिले को सर्वाधिक सूखाग्रस्त बताया गया है। वहीं चतरा, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा और पाकुड़ को मध्यम श्रेणी में रखा गया है। सूखा घोषित होने से 10 जिलों के करीब 12 लाख किसानों को राहत मिलेगी। वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से रांची, दुमका और लातेहार को भी सूखाग्रस्त जिलों में शामिल करने का आग्रह किया है। सूखाग्रस्त घोषित होने से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। किसानों से ऋण वसूली कर रोक लगेगी। झारखंड सरकार ने अगस्त से 4 सितंबर के दौरान हुई बारिश के आधार पर सूखे का आकलन कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार के आग्रह पर पिछले दिनों केंद्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया और संबंधित जिलों में बारिश की स्थिति का आकलन किया, लोगों से बात की और इसके बाद केंद्रीय टीम ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी और इसी आधार पर 10 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।